हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो चलो आज करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सोल्व। ठीक है, एक्सरसाइज अपनी चल रही है 12th। ठीक है, 12.2 करते हैं क्वेश्चन। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। ठीक है, एक रोम्बस की शेप का फील्ड है। ठीक है, किस शेप का फील्ड है? रोम्बस की शेप का फील्ड है। शेप का फील्ड है रोम्बस की शेप का। चलो देखो, जैसे मैंने ये रोम्बस की शेप का ये फील्ड बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 18 काउज ग्रेज कर सकती है। ठीक है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। 18 काउज काउज इसमें ग्रेज कर रही है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर। जो ये रोम्बस है उसकी ये चारों की चारों साइड हैं वो 30-30 मीटर की हैं। ठीक है, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48। लॉन्गर वाला डायगोनल ये वाला होगा और ये कितना है 48 मीटर का। ठीक है, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो एक काउ को कितना कितनी कितना एरिया ग्रास का खाने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो चलो यहाँ देखो दो ट्रायंगल बन गए हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो अपना रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, तो अपन एक का ही निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। मैं नेम दे देता हूँ इसको ए बी सी डी। ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी में सेमी पेरीमीटर जो है अपना वो है 30 + 30 + 48/2 आएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये अपना सेमी पेरीमीटर आएगा 30 + 30 = 60 और 40 = 108। डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया अपना 54 मीटर। ये क्या आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। फिर अपन बात करते हैं एरिया की। इसकी बात करते हैं एरिया की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला कह रहा है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी है 54, तो मैंने लिखा 54 में से फिर पहली वाली साइड माइनस कर देते हैं 30, फिर ये दूसरी वाली साइड माइनस कर देते हैं 54 - 30, फिर ये थर्ड वाली साइड 48 माइनस कर दो। ठीक है, ये माइनस आएगा 54 - 48। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, ये तो 54 अपना सेम ही रहेगा इनटू ये 54 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 24। ये 54 में से 30 माइनस हुआ तो 24, 54 में से 48 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 6। अच्छा अब कर लेते हैं अपन, क्या अपने को पता है सबके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और पेयर जो बन रहा है वो बाहर लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सीधा का सीधा 24 का तो पेयर सीधा बन रहा है, तो इसको बाहर ले लो, क्यों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके अपनी इस क्वेश्चन को लेंथी करें। ठीक है, फिर जो ये 54 है 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना ऐसे करके, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 × 4 = 2, 7 × 14, फिर 3 से होगा 3×9 = 27, फिर 3 से होगा 3×3 = 9, फिर 3 से, तो 54 का किया तो 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, और इस 6 का करेंगे तो 3 × 2, और ये 24 का पेयर तो बाहर जा ही चुका है। ठीक है, तो अब पेयर जो जो बन गया वो और ले लो बाहर, ये 2 का और बन गया एक नया, एक ये 3 का बन गया और इस 3 का बन गया, अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 × 48 को जब अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आया है अपना एक ट्रायंगल का। तो रोम्बस का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, दो ट्रायंगल है इसमें सेम एरिया के,
तो 2 मल्टीप्लाई 432 विच इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? रोम्बस का एरिया। अब रोम्बस, इस रोम्बस में कितनी काउज ग्रेज कर रही है? 18 काउज। तो एक काउ को कितना एरिया मिलेगा वो निकालने के लिए अपन लिखते हैं एरिया ऑफ, एरिया फोर लिख दो, चलो ऑफ फोर रहने दो, एरिया फोर ग्रेजिंग 41 काउ, ग्रेजिंग 41 काउ। तो 864 मीटर स्क्वायर पूरा एरिया है, उसमें 18 काउस ग्रेज कर रही है, 18 से डिवाइड कर दो तो 1 काउ का आ जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो इसको आएगा तुम्हारा 48 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। चलो, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं ट्रायंगुलर ऑफ क्लॉथ ऑफ टू डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के हैं, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो ध्यान से देखो, एक कलर के कितने हैं? 5 ट्रायंगल होंगे, 1, 2, 3 और 2 पीछे, ठीक है, टोटल 10 है ना, तो दोनों कलर के 5 होंगे। तो पहले अपन एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कलर के अपने पास अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड अपने को गिवन है 20 प्लस 50 प्लस 50 और डिवाइड बाई 2, तो ये 50 50 हो गया 100 और 20 ऐड करेंगे तो ये हुआ 120/2 विच इज इक्वल टू 60। तो सेमी पेरीमीटर अपना कितना आ चुका है? 60। फिर अपन एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिखा अपन ने एस, ठीक है, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो ये अपना आएगा 60 में से 20 माइनस किया तो 40, 60 में से 50 माइनस किया तो 10, यहाँ भी अपना आ गया 10, ठीक है। अब देखो यहाँ एक 10 तो ये आ गया कॉमन तुम्हारा, एक 10 तुम्हारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा? 6 और 4। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 4 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाहर 200 और रूट के अंदर ओनली ये दोनों बचेंगे, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया है, किसका है? एक ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। अब देखो एक कलर के कितने ट्रायंगल है? 5 ट्रायंगल है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ईच क्लॉथ रिक्वायर्ड, है ना, एरिया ऑफ ईच क्लॉथ, मतलब अलग अलग कलर के क्लॉथ है ना उनके लिए रिक्वायर्ड, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200√6 है 1 ट्रायंगल का एरिया, मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये 5 होगा 200 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपना 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज आवर आंसर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। काइट है, ये काइट का जो डायगोनल है वो 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के शेप में है, तो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ये भी 32 का, ये भी 32 का, ठीक है, एंड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और अदर साइड है इसके 6 6, इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेडेड एज शोन इन द फिगर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो ध्यान से देखो, ऊपर जो अपना ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए अपन रोम्बस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है,
रोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। रोमर्स वाला फॉर्मूला क्यों लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो स्क्वायर है वो एक तरह का रोमबस ही है। रोमबस क्या बोलता है कि ऑल साइड्स इक्वल, स्क्वायर भी बोलता है ऑल साइड्स इक्वल। तो अपन रोमबस में स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर में रोमबस का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हाफ इंटू डायगोनल, दोनों 32 हैं तो ये अपना आ जाएगा 16, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 512 एरिया है ये पूरे स्क्वायर का आ गया, इसमें फर्स्ट भी आ गया सेकंड भी आ गया। तो अगर तुमको फर्स्ट पार्ट का एरिया चाहिए तो लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ हाफ होगा। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज इक्वल टू 512 डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का एरिया भी अपना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों पार्ट क्या होंगे बिल्कुल सेम होंगे। चलो अब बात करते हैं अपन नीचे वाले पार्ट थर्ड की, इसका एरिया अपन कैसे निकालेंगे। तो ये याद रखो 668 साइड है इसकी, तो थर्ड में है अपना ट्रायंगल जिसकी साइड ये दोनों तो है 66 और ये बेस है इसका 8। तो इसमें हीरोन फॉर्मूला से अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो पार्ट थर्ड का जो एरिया अपन निकालने वाले हैं पार्ट थर्ड का, तो इसके लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकलेगा 6 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 × 12 और 8 हो गया 20 डिवाइड बाई 2, तो अपना आ गया 10। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी ये 6 है और एस माइनस सी, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना 10 मल्टीप्लाई 10 में 6 गया तो 4, 10 में से माइनस 6 तो 4 और 10 में से 8 गया तो 2। ये देखो 4 डायरेक्ट बाहर आ गया और ये 10 का हो जाएगा अपना 2 × 5 और ये तो 2 तो है ही, तो ये 2 बाहर और आ जाएगा तो तुम्हारा कितना आएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस आंसर आ गया, ठीक है। इसको अगर करना चाहो तो रूट फाइव की वैल्यू रख के अपन सोल्व भी कर सकते हैं। रूट फाइव की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट करके डिवीजन मेथड से, ठीक है। अच्छा वरना यहीं छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देखो ध्यान से। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल है जो ट्रायंगल शेप की बनी हुई है। साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की तीनों साइड है वो ये अपने को गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ, ये रेट गिवन है अपने को, और अपने को कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल निकालनी। तो सबसे पहले अपन टाइल का एरिया निकालेंगे, वन टाइल का एरिया इससे निकलेगा, मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 टाइल का एरिया निकल जाएगा, मल्टीप्लाई रेट कर देंगे तो कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए मैं सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ। तो सेमी पेरीमीटर के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का ऐड और डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 72 ऐड किया तो अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐड करके देख लो चाहे, ये आ गया 72, मैंने थोड़ा जल्दी किया है, देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 8 × 9 = 17 और 5 × 22 टू कैरी, हाँ ठीक है, 72 अपॉन 2 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हीरोन फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ए सॉरी एस एस माइनस ए है ना, एस में से फर्स्ट साइड माइनस कर देंगे, फिर अपन बात करते हैं एस में सेकंड साइड माइनस करने की, तो सेकंड साइड अपनी 28, फिर एस में से थर्ड वाली साइड माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 28 में से, ये 36 में से 28 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, 36 में से 9 माइनस करोगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कर लो, 36 के क्या होंगे, ये होंगे 36 के, ठीक है, कर लेना चाहिए तो। 8 के क्या होंगे 2 × 2 × 2 और ये 27 के क्या होंगे 3 × 3 × 3। जो जो पेयर बन गया वो बाहर ले लो, ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक बन गया 3 का, ये एक 2 का बन गया, ये एक 3 का बन गया, और रूट के अंदर ये 2 बच गया ये 3 बच गया, मतलब रूट 6। तो ये 3 × 6 × 12 × 12 × 3 × 36 रूट 6, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी,
एरिया आ गया, क्या आ गया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो एरिया अपना आ चुका है 36√6, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 36√6 को, तो 16 ट्रायंगल का एरिया आएगा, ठीक है। तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ 16 टाइल, ये तो वन टाइल का एरिया आया, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स विच इज इक्वल टू 36√6 मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो 36 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 576 आ जाएगा, 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, रेट से, तो कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिसी द टाइल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे, ठीक है। तो कॉस्ट निकालने के लिए अपने को 576√6 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 पैसे है, तो जो अपना आंसर आएगा वो अपना 50 वो पैसे में ही आएगा। इसके बजाय अगर अपन करें इसको किससे मल्टीप्लाई, हाफ से, 50 पैसे का मतलब क्या होगा, हाफ रुपीस, है ना। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 576 डिवाइड बाई हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 288√6, ठीक है। कितना आएगा, 288√6, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ रूट सिक्स की वैल्यू अगर तुम लिखना चाहो तो रूट सिक्स की वैल्यू लिख सकते हो, और रूट सिक्स की वैल्यू लिख के जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ही आ जाएगा जो तुम्हारा पीछे तुमको गिवन है, ठीक है। तो रूट सिक्स की वैल्यू तुम कैलकुलेटर से निकाल के यूज कर सकते हो, या फिर तुम डिविजन मैथड से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 9। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रपेजियम, एक फील्ड है जो ट्रपेजियम की शेप में है, इस शेप में है, वो ट्रपेजियम की शेप में है। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रपेजियम, तो अपने को पता है ट्रपेजियम कैसे बनता, कैसा बनता है, ठीक है। तो ट्रपेजियम बनता है ऐसे, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छा अब सुनो, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10, तो ये वाली साइड को मैं बोल देता हूँ 10 मीटर, और जो नीचे वाली साइड है इसको मैं बोल देता हूँ 25 मीटर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 13, ये वाली साइड है 14, ये वाली साइड है 13, ऐसे मान लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फाइंड एरिया निकालना है, तो अपने को पता है ट्रपेजियम का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ट्रपेजियम के एरिया का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाइट नहीं पता अपने को अभी, यहाँ पे हाइट थोड़ी पता है, हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हाइट, यहाँ पे 90 डिग्री होनी चाहिए सीधी, कभी इसको या इसको हाइट नहीं बोल सकते अपन, है ना। तो ध्यान रखना हाइट अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन। ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हैं, कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है जो एरोप्लेन वाला है, उसमें जो थर्ड पार्ट है वो वाला कर चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसके पैरेलल इधर से लाइन खींच दो, या फिर इसके पैरेलल इधर एक लाइन खींच दो, किधर भी खींच दो, मैं ऐसे खींच देता हूँ। तो ये जो तुम्हारा बनेगा, ये वाला, ये बनेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 13 है तो ये 13 होगी, और ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और अगर ये इधर 10 है तो इधर 15 बचेगी 25 में से माइनस करके, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड अपने को अपने पास है, तो वही क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे किया था अपन ने एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में, सेम वैसे ही करेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालेंगे, उसमें दो तरीके कैसे किए थे, रूट 3/4a² और एक साइड में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया था। इस उसमें ये वाला इसलिए लगाया था क्योंकि वो कैसा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल था। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इधर हेरोंस फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं, तो निकालते हैं पहले इस ट्रायंगल का एरिया। तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो 13 + 14 + 15 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 42 / 2 विच इज इक्वल टू 21 मीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो वो क्या आएगा अपना, स्क्वायर रूट ऑफ एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी,
और ये s माइनस c, ठीक है। तो चलो अब सोल्व कर देते हैं, तो ये 21 आया, 21 माइनस 13 कितना होता है 8, ये 7 होगा और ये 6 होगा, ठीक है। चलो बना लेते हैं, अभी 27 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 × 7, और 8 के अपने को पता है 2 × 2 × 2 होने वाले हैं, 7 तो है ही, और जो 6 है उसके 2 × 3 होने वाला है, ठीक है। पेयर बना लो, ये 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये 2 का बन गया और ये 2 का बन गया, तो सारे पेयर बन चुके हैं, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा तुम्हारा 84। 37 जा 21, 21 टू जा 42, 42 टू जा 84 मीटर स्क्वायर। किसका एरिया आ गया? इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से अपन इक्वल रखेंगे, अब क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों को, कैसे 84 एरिया ऑफ ट्रायंगल है और उसको इक्वल रखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। तो बेस है अपना 15 आएगा, बेस कितना आएगा 15 इंटू हाइट अपने को पता है, ठीक है। तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 डिवाइड हो जाएगा, 84 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू एच, ठीक है। अच्छा तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 24 जा 8, 28 जा 16 अपॉन 15 इज इक्वल टू एच, डिवाइड मत करना, या डिवाइड करो तो डिवाइड भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सही ही आएगा, ठीक है। चलो तो अब अपने पास हाइट भी आ चुकी है, तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विच इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन अपने को लगाना है, चलो करते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम कर दो, पैरेलल साइड एक तो 25 है, एक 10, कितने हो गए टोटल 35, है ना। तो ये हो जाएगी सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाइट अपनी आ गई 168 डिवाइड बाई 15। चलो तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है, तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, इसको 3 से कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, 3 × 6 = 18, ठीक है। फिर इसको 2 से कर देते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, तो जब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 = 56, 5 × 7 = 14 और 5 × 19, तो ये तुम्हारा आ गया 196 मीटर स्क्वायर इसका एरिया ट्रेपेजियम का एरिया। तो यहाँ पे जो भी अपन ने ये किया है, ये हाइट निकालने के लिए किया, शुरू में ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसको इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रखा, बेस अपन ने वही रखा जो था ये वाला, तो ये अपनी हाइट आ जाएगी, और ये हाइट आ गई तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, तो 12th चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट नोटबुक में हो जाना चाहिए, और एक बार इसको रख में प्रैक्टिस कर लेना खुद कर करके, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।